अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और मैं चंद्र प्रकाश आपको नमस्कार करता हूँ प्यारे बच्चों और मेरे सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो से में DHE चंडीगढ़ की बात करेंगे। लगभग 2 महीने से लगातार बच्चे वेट कर रहे थे कि DHE चंडीगढ़ की एडमिशंस कब ओपन होगी। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्रेज रहता है चंडीगढ़ के अंदर एडमिशन लेने का, क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा सेंटर है जाकर एजुकेशन हब है हमारा, जहाँ विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर्स भी हैं जहाँ पर बच्चे आगे UPSC की तैयारी करते हैं और अन्य कोर्सेज की भी तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट कोर्स की, लॉ की इत्यादि वगैरह। तो तमाम जो हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं वो हमारे चंडीगढ़ के अंदर है, तो बच्चों का एक टारगेट रहता है कि भाई चंडीगढ़ में आगे पढ़े। और जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाबी जो पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी चंडीगढ़ है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है, वन ग्रेड यूनिवर्सिटी है। तो उसके अंडर ये सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, 10 हमारे कॉलेजेस हैं, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हाल ही में एडमिशन स्टार्ट हुआ है और 3 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो जाएगा, 5 दिन शेष बचे। लेकिन फॉर्म भरने में बच्चों को कई सारी कठिनाई आ रही है, कई बार सर्वर दिक्कत करता है, कई बार रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म नहीं खुलता। अब जो नई समस्या बच्चों को लगातार आ रही है, जो सबसे ज़्यादा आ रही है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आ रही है, जो कि अभी क्योंकि CBSE का रिजल्ट अभी आया है, इवन हरियाणा बोर्ड की भी मार्कशीट्स अभी तक नहीं आई है। हालांकि रिजल्ट्स जरूर डिक्लेयर कर दिए है बोर्ड ने, लेकिन DMC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आए। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को जमा कराना होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आप अदर बोर्ड से आ रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन अब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर होने वाला है। इसको बोलते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेट हो रहे हैं आप, हिमाचल से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं, लखनऊ, UP, उत्तराखंड, कहीं से भी आ रहे हैं, तो माइग्रेशन की जरूरत होती है। बट इसके बारे में मैं बता देता हूँ, इसके कारण से आपका एडमिशन प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की जो तिथि होती है पिछले साल दिसंबर में रखी थी, अब क्योंकि सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है कट ऑफ डेट 30 नवंबर रख दें, तो तब तक आप आराम से एडमिशन होने के बाद जमा करा सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपने अपलोड कर ही दिए होंगे, फोटोग्राफ कर दी होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, DMC 10वीं और 12वीं की, जो कि रिक्वायर्ड फोल्डर के अंदर चाहिए। अब आपकी लिस्ट आएगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही फर्स्ट काउंसलिंग की पूरी डिटेल वीडियो बताई है। सर्वर में प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद 70, कई बारी फॉर्म ओपन नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि 24 आवर्स के बाद पेमेंट रियलाइजेशन होती है, उसके बाद ही आपका फॉर्म खुलेगा। तो ज़्यादा टेंशन ना करें, अगर 24 घंटे के बाद भी नहीं खुल रहा है तो आप ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी फॉर्म भरने में DHE की अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं अपना नंबर इसमें डिस्प्ले कर दूंगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, फ्री टू कॉल मी, आई विल गिव यू द बेस्ट गाइडेंस फॉर एवर। इसी के साथ ही इस वीडियो को क्लोज करते हैं, धन्यवाद। अन्य वीडियोस को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सबसे बड़ी बात है शेयर जरूर करें, अपनी वीडियोस को अपने ग्रुप्स के अंदर साझा करें, जिससे कि मेरी आवाज़ वीडियो एडमिशन रिगार्डिंग सभी बच्चों तक पहुँच सके, यही चैनल का मकसद है। शुभरात्रि, कल का दिन आपका मंगलमय हो।